प्रश्न नंबर एक, भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं, यानी भाषा के लिखित रूप में जब बात बताई जाती है तो उसको किस तरीके से बताया जाती है, बोलकर, लिखकर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो भाषा के लिखित रूप में जब बात को बताया जाता है तो वो लिखकर बताया जाता है। लिखित का रूप मतलब होता ही है लिखकर बताना। प्रश्न नंबर दो, भारत की राष्ट्रभाषा है उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, इनमें से कोई भी नहीं। तो भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। प्रश्न नंबर तीन, व्याकरण भाषा के बताता है, यानी व्याकरण जो है वो भाषा के बारे में क्या बताता है, या फिर भाषा का किसी भी भाषा से संबंधित जो व्याकरण होता है वो अपने विषय में क्या बताता है, नियम, काम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो व्याकरण जो है बहुत ही साधारण सी बात है कि वो नियमों को बताता है, भाषा से संबंधित नियमों की जानकारी देता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर चार, पुष्प कौन सा शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो पुष्प जो है एक तत्सम शब्द है, तत्सम जो कि संस्कृत से वैसे के वैसे ही ले लिए गए हों, तद्भव जिनको रूपांतरित कर दिया गया हो। प्रश्न नंबर पाँच, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के उच्चारण स्थान है, यानी कि जब इनको उच्चारित किया जाता है तो हमारे मुख में जिस स्थान का प्रयोग होता है इसके उच्चारण के लिए वो क्या है, दंत, कंठ, ओष्ठ या होठों में। तो जब हम छोटा ऊ और बड़ा ऊ प्रोनाउंस करते हैं तो हमारे जो लिप्स हैं उनकी मूवमेंट के आधार पर जो है हम इनको प्रोनाउंस करते हैं, तो इसका उत्तर होगा होठों से। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर छः, ए ए ओ औ कौन सा स्वर है, ये यानी कौन से स्वर की कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये आते हैं हमारे संयुक्त स्वर की कैटेगरी में। संयुक्त स्वर मतलब संयुक्त, जहाँ मिलकर, जहाँ पर दो स्वर मिल रहे हों उनसे मिलकर जो बना हो वो संयुक्त स्वर है, स्वर है। प्रश्न नंबर सात, मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं, दो, तीन, पाँच या फिर सात। तो मात्राएं जो होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। प्रश्न नंबर आठ, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। हम सभी को पता है कि हिंदी वर्णमाला में कुछ हमारे पास स्वर हैं और कुछ व्यंजन हैं। उन व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, 22, 10, 33 या फिर 30। तो उन व्यंजन वर्णों की संख्या है 33। प्रश्न नंबर 9, क वर्ग का उच्चारण स्थान है, क वर्ग, क ख, ये क वर्ग बोला जाता है। तो ये जो क वर्ग है, इस क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, ये जब हम इसको उच्चारित करते हैं तो इसका स्थान क्या है, मूर्धा, दंत, ओष्ठ या फिर कंठ। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कंठ, कंठ यानी गला। प्रश्न नंबर 10, पावर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, पावर्ग यानी पा जहाँ से शुरू होता है वो पंक्ति पावर्ग है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, पाफा, बाभा, मा का, दंत, कंठ, ओष्ठ, मूर्धा। तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो है ओष्ठ, पा, फा। आप देखेंगे दोनों होठ जो है हमारे कभी मिलते हैं, कभी आप देख रहे हैं इनकी मूवमेंट के आधार पर आप जब इन्हें प्रोनाउंस करिए तो इसको नोटिस करिए, पा, फा, बा, भा। तो ये हमारे दोनों होठों से जुड़कर जो है ये शब्द जो है निकलते हैं, तो ये ओष्ठ इसका उच्चारण स्थान है। प्रश्न नंबर 11, टावर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, टावर्ग, टा, ठा, डा, ढा, ढा। तो ये दंत है, कंठ है, ओष्ठ है या मूर्धा, तो ये है मूर्धा, यानी ये इस स्थान से इसका उच्चारण होता है। प्रश्न नंबर 12 लेते हैं, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, ओष्ठ, कंठ, इनमें से कोई नहीं। तो च वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो है तालु, च, छ। आप देखेंगे जीभ जो है ऊपर तालु में से जुड़कर जो है इन शब्दों को मुख से निकालती है, तो ये तालु से जुड़ा है। प्रश्न नंबर 13, प, फ, ब, भ, म का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, ओष्ठ, कंठ या फिर दंत। तो इनका जो उच्चारण स्थान है वो है ओष्ठ। प्रश्न नंबर 14, अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, सात, आठ, चार या फिर पांच। तो ये होते हैं चार प्रकार के। प्रश्न नंबर 15, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, कौन सा शब्द, कुलीन, नमक, कृपा, जाति। तो ये हमें अब शब्द कुल से बना कुलीन, तो ये संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। प्रश्न नंबर
16, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है? जापान, गुणी, दान, जाति। तो गुण से बना गुणी, तो ये संज्ञा से जो है बना विशेषण है। प्रश्न नंबर 17, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? नमकीन, दयालु, धनवान, फुर्ती। इसमें से हमें इसका उत्तर देना नहीं, तो प्रश्नों को हमें ध्यान से पढ़ना है। तो इसका जो उत्तर है वो है फुर्ती। तो ये विशेषण जो है वो विशेषण है लेकिन संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। प्रश्न नंबर 18, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? अब आप देखेंगे कि हमारे पास नहीं वाले क्वेश्चन है, तो हमें इस पर ध्यान देना है। नहीं वाले क्वेश्चन में तो पहला ऑप्शन है अपमानित, नियमित, फिर है वार्षिक, अपमान, तो वो नहीं है। हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है तो वो है ऑप्शन नंबर डी, तो ये संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। प्रश्न नंबर 19, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो प्रश्नों को ध्यान से देखना है, नहीं शब्द जुड़ा होगा तो हमें उस प्रश्न को अलग तरीके से समझना है। तो कौन सा संज्ञा से बना हुआ विशेषण है वो चेक करना है, इच्छुक, प्यास, पशु या फिर संतोष। तो ये है इच्छुक, इच्छा से बना इच्छुक, ये है विशेषण। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 लेते हैं, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? अभी तक हम संज्ञा से बने हुए विशेषण पढ़ रहे थे, अब हमें सर्वनाम से बने हुए विशेषण चेक करने हैं। मैं, वह, कोई, तेरा। तो कौन सा है सर्वनाम से बना हुआ विशेषण? तेरा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है। तो तीन ऑप्शन होंगे जो क्रिया से बने हुए विशेषण होंगे और एक नहीं है। तो चालू, कमाओ, समझना, पठित। तो यहाँ पर जो समझना है वो क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है। समझना जो है ये विशेषण नहीं है, ये क्रिया तो है लेकिन ये विशेषण शब्द नहीं है। चालू, कमाओ, पठित जो है आप अब इसे चेक कर सकते हैं, इससे आपकी और भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि क्या ये विशेषण है, विशेषण नहीं है तो क्रिया से बने हुए विशेषण है या नहीं। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है? वहाँ, यहाँ, कल, आज का। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्रिया से बना हुआ विशेषण है। प्रश्न नंबर 23, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है, काली, बड़ा, ऐसा, इनमें से कोई नहीं। तो काली जो है वो पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है, काला से काली। प्रश्न नंबर 24, कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है? संस्कृत से तद्भव बनाया गया है, बच्चा, बच, ए और बी दोनों। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चा। प्रश्न नंबर 25, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? जैसा कि विशेषण जब हमने पढ़ा है, तो अगर आप विशेषण के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको चैनल पर ये वीडियो मिल जाएगी, आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ समझ सकते हैं। तो गुणवाचक विशेषण जिसमें हमें किसी के भी बारे में उसके गुण और दोषों के बारे में जानकारी मिलती है। गुण का मतलब ये नहीं सिर्फ अच्छी बातें होंगी, अब इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव कोई से भी शब्द होंगे तो वो गुणवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। तो गुणवाचक विशेषण कौन सा है? लाल फूल, पाँच लड़के, 10 हाथी, इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन नंबर ए है, लाल फूल, ये गुणवाचक विशेषण होगा। संख्या, प्रश्न नंबर 26, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 5 या फिर 8। तो संख्यावाचक विशेषण जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, कौन सा शब्द परिमाण बोधक विशेषण है? परिमाण बोधक का मतलब क्या होता है? दो शब्द होते हैं, परिणाम और परिमाण। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इसे आपको क्लियर कर लेना चाहिए। परिमाण क्या होता है? परिणाम क्या होता है? रिजल्ट। और परिमाण शब्द जो है वो नापतौल से संबंधित अर्थ देने वाला शब्द है। तो ये है परिमाण बोधक विशेषण, परिमाण बोधक, जिसमें नापतौल की बातें बताई जाए। तो शेर भर दूध। अब बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन होती है कि संख्यावाची और परिमाण बोधक जो है आ जाए, तो उनमें कैसे हम पता करें? संख्यावाची में भी और परिमाणवाचक में भी दोनों में संख्या का प्रयोग होता है। तो इसमें बारीकी ये होती है कि परिमाणवाचक में तौल के शब्द लिखे होते हैं, जैसे शेर भर, लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर। और संख्यावाची में
ये अक्सर नहीं होते, क्योंकि वहां पर हमें सिर्फ संख्या बतानी होती है, और परिमाण बोधक जो है ऐसा है जिसमें नाप तौल बताना ही है, और नाप तौल बताने के लिए आप संख्या का प्रयोग तो करेंगे, लेकिन नाप तौल बताने वाले संख्या जो शब्द होते हैं उनका भी प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से आप इनको पहचान सकते हैं, शेर भर दूध, चार गज सब धन, इनमें से कोई नहीं। तो परिमाण बोधक विशेषण कौन सा इनमें से? ऑप्शन नंबर ए, शेर भर दूध। प्रश्न नंबर 28, प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 10, 4, 2 या इनमें से कोई नहीं? तो ये दो प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 29, इनमें से कौन विधेय या विशेषण है? मेरा लड़का आलसी है, सतीश सुंदर लड़का है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, मेरा लड़का आलसी है, विधेय विशेषण है ये। प्रश्न नंबर 30, इनमें से कौन सा शब्द मूलावस्था है? प्रियतर, लघुतम, सुंदर, इनमें से कोई नहीं। जिस तरीके से आप डिग्रीज पढ़ते हैं इंग्लिश में गुड बेटर बेस्ट, उसी तरीके से हिंदी में भी मूलावस्था होती है, एक निम्नतर, एक बेसिक अवस्था होती है, फिर उससे बेहतर अवस्था, फिर उससे सबसे बेहतर अवस्था। तो मूलावस्था कौन सी है इसमें से? मूल अवस्था में प्रियतर, लघुतम, सुंदर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो सही होगा, क्योंकि ये मूल अवस्था में है। तो सुंदरतम और सुंदरता जो है, इस तरीके से जो इसके जो और भी अवस्था है वो ये उस फॉर्म में नहीं है, ये अपनी मूल अवस्था में है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31, दांत का उच्चारण स्थान क्या है? दांत का उच्चारण जब किया जाता है तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? नाक, कंठ, ओष्ठ, इनमें से कोई भी नहीं। तो जब दांत शब्द का प्रयोग हम करते हैं या इसका उच्चारण करते हैं तो इसको नाक से हम प्रोनाउंस करते हुए फील करते हैं। आप एक बार प्रोनाउंस करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि अंदर से आते हुए जो श्वास होती है उसके माध्यम से इसका उच्चारण होता है। प्रश्न नंबर 32, हिंदी में कितने वर्ण हैं? 32, 52, 40 या फिर 20? तो हिंदी में 52 वर्ण हैं। प्रश्न नंबर 33, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ है? उत्तर भारत, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी भाषा का जन्म जो है वो उत्तर भारत में हुआ है। प्रश्न नंबर 34, हिंदी खड़ी बोली किस जिला में बोली जाती है? रामपुर, मेरठ, देहरादून, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई भी नहीं जो है, ये हिंदी खड़ी बोली बोली जाती है। प्रश्न नंबर 35, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? भाषा के आधार पर भी बहुत सारे राज्यों का गठन हुआ है, तो किस राज्य का गठन जो है सबसे पहले भाषाई आधार पर सर्वप्रथम, यानी सबसे पहले जो है किसका गठन हुआ था भाषा के आधार पर? आंध्र प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। तो आंध्र प्रदेश का जो राज्य का गठन हुआ है वो भाषा के आधार पर हुआ है और सबसे पहले हुआ है, सबसे बड़ी बात ये है। प्रश्न नंबर 36, भाषा के कितने रूप होते हैं? 1, 2, 4 या फिर 7? तो भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। प्रश्न नंबर 37, कौन सी भाषा इस देश की पुरानी है? हिंदी, संस्कृत, मराठी या फिर अंग्रेजी? तो कौन सी भाषा इस देश की पुरानी भाषा है? तो वो है संस्कृत। प्रश्न नंबर 38, कौन सी भाषा मध्य देश की प्रमुख भाषा थी? मागधी, पैशाची, शौरसेनी, अर्धमागधी। तो मध्य देश की जो प्रमुख भाषा थी वो थी मागधी। प्रश्न नंबर 39, मगही किस भाषा की उपबोली है? मगही जो है वो कहाँ की किस भाषा की उपबोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर बिहारी? तो ये राजस्थानी जो है, मगही जो है वो राजस्थानी भाषा की उपबोली है। प्रश्न नंबर 40, निम्न में से कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है? भारत जो भारत है उसकी प्रथम देश भाषा कौन सी है? पंजाबी, संस्कृत, हिंदी या फिर पाली? तो पाली जो है वो भारत की प्रथम देश भाषा है। और फिर इसको परिष्कृत करते करते आज हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा। प्रश्न नंबर 41, दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मैसूर, चेन्नई, बंगलोर, हैदराबाद। तो दक्षिण भारत में, साउथ में हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? वो चेन्नई में स्थित है। प्रश्न नंबर 42, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सौराष्ट्री, ब्राह्मी, गुरुमुखी या देवनागरी? जैसा कि हम सभी को मालूम है देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा की। प्रश्न नंबर 43, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? सिंधी, उड़िया, गुजराती या फिर मराठी? तो मराठी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। प्रश्न नंबर 44, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं? यानी कि उच्चारण के आधार पर
जो वायु के आधार पर यानी श्वास के आधार पर जो व्यंजन होते हैं जब उनका उच्चारण किया जाता है, तो वो व्यंजन कितने प्रकार के हैं? चार, दो, पांच या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से जो व्यंजन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45, ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? दंत, मूर्धा, तालु या फिर कंठ। तो ता जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो आप देखेंगे इसका दंत के माध्यम से जो है उच्चारण स्थान महसूस किया जाता है या प्रोनाउंस होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46, वा का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ, मूर्धा, तालु, कंठ। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, दंतोष्ठ। दंतोष्ठ मतलब दंत और ओष्ठ। आप देखेंगे आपके होंठ जो है आप दांतों के टच में आते हुए इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं वा, तब इसका हो जाएगा दंतोष्ठ, यानी दांत और होठों के मिलने पर इसका उच्चारण होता है। प्रश्न नंबर 47, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? महो जमा इंद्र, महा जमा इंद्र, महे जमा इंद्र, इनमें से कोई भी नहीं। तो महेंद्र का जो संधि विच्छेद है वो है ऑप्शन नंबर बी, महा जमा इंद्र। प्रश्न नंबर 48, निम्न में से दंत्य ध्वनि कौन सी है? पा, फा, क, ख, ता, था, चा, छा। तो इसका जो दंत, जो दांतों से होने वाली जो ध्वनि है वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, ता और था। प्रश्न नंबर 49, निम्न में से कंठे ध्वनि कौन सी? कंठे यानी जो गले से आती है, ग, घ, द, ध, बा, भा, ढ, ढ। तो यहाँ पर जो कंठ से आने वाली है वो है ग और घ। आप देखेंगे ना तालु का प्रयोग हो रहा है, ना दांतों का, ना होठों का, आपके कंठ से होते हुए ये एक जो है ये इन ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है। प्रश्न नंबर 50, दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी भारत की बात हो रही है, इसमें हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? मैसूर, चेन्नई, बंगलोर या फिर हैदराबाद। तो चेन्नई में है इसका ऑफिस, यहाँ पर आप कह सकते हैं मुख्यालय। प्रश्न नंबर 51, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सौराष्ट्री, ब्राह्मी, गुरुमुखी या देवनागरी। तो देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है। प्रश्न नंबर 52, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? सिंधी, उड़िया, गुजराती या फिर मराठी। तो मराठी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। प्रश्न नंबर 53, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं? चार, दो, पांच, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसके दो प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 54, ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? दंत, मूर्धा, तालु या फिर कंठ। तो ता ध्वनि का सही उच्चारण जो है वो ता जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो आप देखेंगे कि दांतों का प्रयोग होते हुए इस ध्वनि का उच्चारण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 55, वा का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ, मूर्धा, तालु या फिर कंठ। तो दंतोष्ठ जो है इसका उच्चारण स्थान है। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? महो जमा इंद्र, महाजमा इंद्र, महे जमा इंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है महाजमा इंद्र। प्रश्न नंबर 57, कावर्ण किसके योग से बना है? कावर्ण जो है वो किसके योग से बना है? तो का जमा र, ज जमा या, क जमा आ, क जमा श। तो ये जो वर्ण है का वो का जमा आ से मिलकर बना है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, जितने भी हमारे व्यंजन है, का, खा, गा, घ, चा, छा, जा, झा, ये सारे अगर इस फॉर्म में लिखे हैं तो मतलब कि ये दोनों जुड़कर बने हैं, क्योंकि सारे व्यंजन जो है वो अधूरे होते हैं और ये लगने का मतलब होता है अधूरा। जब स्वर जुड़ते हैं तो वो उनको पूरा कर देते हैं और तब हम उनको इस फॉर्म में लिखते हैं, और अगर वो ऐसे लिखे हैं मतलब कि वो आधे हैं। तो इसलिए आप इन बातों को ध्यान दें। अगर चा लिखा है आपके सामने तो ये किससे मिलकर बना है? च जमा अ, ये पूरा है क्योंकि इसके साथ ये जुड़ा है, ये अधूरा है। प्रश्न नंबर 58, ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार है? स्वर, व्यंजन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऊष्म और जो संयुक्त ये किसके प्रकार है? ये हैं व्यंजन के। प्रश्न नंबर 59, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 25, 20, 28, 30। तो स्पर्श व्यंजन जो हैं वो हमारे होते हैं 25। कितने प्रकार के होते हैं? 25। प्रश्न नंबर 60, श कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ,
व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो ये है हमारा ऊष्म व्यंजन, श जो है हमारा ऊष्म व्यंजन है। प्रश्न नंबर 61, त्र वर्ण किसके योग से बना है? ज जमा इ जमा अ, त जमा र जमा अ, श जमा र जमा अ, क जमा श जमा अ। त्र, जब आप त्र का प्रोनाउंस करते हो तो त र और आ ये दोनों ही अधूरे हैं, इनके साथ जब ये जुड़ा है तब जाके त्रा बना है। ऐसे ही ग्या, ग य जमा आ, तो ये इस तरीके के संयुक्त व्यंजन है। तो ये हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या है इसका, त जमा र जमा आ। प्रश्न नंबर 62, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? वर्ण संबंधी अशुद्धि है अनाधिकार, स्थान, अमरूद, अनुकूल। तो यहाँ पर वर्ण संबंधी जो है अशुद्धि है अनुकूल, इसमें यह होगा तो ये सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? अध्ययन, आगामी, अधीन, उज्ज्वल। तो यहाँ पर जो वर्ण संबंधी जो अशुद्धि है वो है ऑप्शन नंबर सी, अधीन। और वैसे इनको भी करेक्ट कर लेना चाहिए, ये ऐसे लिखा होना चाहिए और ये ऐसे। प्रश्न नंबर 64, इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं? अनाथा, गायिका, गोपी, नारी। लिंग प्रत्यय संबंधी, प्रत्यय क्या होता है जो पीछे लगते हैं, लिंग मतलब जो लिंग यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग संबंधी जो ज्ञान दे। अनाथा, अनाथ, अनाथा, गायिका, गोपी, नारी। तो यहाँ पर लिंग प्रत्यय संबंधी जो है वो अशुद्धि किसमें है? नारी में। प्रश्न नंबर 65 लेते हैं, इनमें से किस शब्द में समास संबंधी अशुद्धियां हैं? आत्मपुरुष, एक तारा, इकलौता, निर्दोष। तो इसमें एक तारा जो है ये इसमें समास संबंधी अशुद्धियां हैं। प्रश्न नंबर 66, इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां? हलंत किसे कहते हैं? ये जो नीचे लगता है, हलंत संबंधी अशुद्धियां हैं बुद्धिमान, भविष्यत, सचित, श्रीमान। तो बुद्धिमान में जो है अशुद्धि है, यहाँ प्रॉपर होता है, इसमें ये लगाने की जरूरत नहीं होती है। प्रश्न नंबर 67, इनमें से किस भाषा में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं? अंगना, चांद, दांत, पहुंच। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें अशुद्धि है, क्योंकि ये ऐसे लिखा जाता है, चंद्र बिंदु का मतलब ही यही होता है। प्रश्न नंबर 68, इनमें से अल्प विराम कौन सा है? यह वह रोज आता है, यह हाथी है, धीरे धीरे, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से अल्प विराम कौन सा है? अल्प विराम वह रोज आता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69, इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? तो आप ये देखेंगे कौन सा है, कोमा है, पूर्ण विराम है, योजक चिन्ह, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा योजक चिन्ह है ये। प्रश्न नंबर 70, इनमें संज्ञा के कितने भेद हैं? 10, 5, 7। संज्ञा के कितने भेद हैं इसमें? तो संज्ञा के भेद हैं हमारे जब तीन ऑप्शन हमारे पास, वो इसमें से पांच भेद हैं हमारे पास संज्ञा के। संज्ञा के पांच भेद माने जाते हैं, जिसमें से कई बार जो है एक ही ऑप्शन के सब ऑप्शन बना दिए जाते हैं, तो तीन बता दिए जाते हैं, अदरवाइज पांच ऑप्शन बता दिए जाते हैं। तो हमारे संज्ञा के जो है कितने हैं? पाँच।